यहां डेफिनेशन नंबर वन जो है इसको लेके चलते हैं, इट इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। चलें देखते हैं, लेट हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन होता है। अगर ये डी एक्स जो है मैं उस तरफ फेंक दूं तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन डी एक्स। ये जो डी एक्स है ये कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू, इसका कोई अमल दखल नहीं होता, ये सिर्फ ये बताता है कि हमने क्वेश्चन किस वेरिएबल के लिए करना है। हमारे पास क्वेश्चन में एक्स वाई जेड वेरिएबल हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती है ना। मसलन क्वेश्चन मेरे पास इस तरह का आ सकता है एक्स प्लस वाई। अब मुझे पता चलना चाहिए कि मैं किसके रिस्पेक्ट करना चाह रहा हूं, मैं एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन करूं या वाई के लिहाज से करूं, तो वो मुझे ये डी एक्स या डी वाई बताएगा। तो यहां से हमने डी एक्स को लेके गए तो डी एक्स आ गया। अब ये जो d है इसको भी उधर लेके गए तो 1 ओवर d हो गया और 1 dx हो गया। अब 1 ओवर d जो है ये इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन तो हो गई है। अब मैथमेटिशियंस ने इसको 1 ओवर d नहीं लिखा बल्कि उसके लिए एक सिंबल यूज कर लिया गया, ये s। ये जो सिंबल है ये सम से बना है, s u m, सम, ऐड करना, जमा कर लेना चीजों को। तो इस सम को बाद में कुछ लोगों ने ऐसे खाली एस लिखना शुरू कर दिया, फिर कुछ लोगों ने इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बना दिया। तो ये जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है ये बन गया, इट इज कॉल्ड साइन ऑफ इंटीग्रेशन। आगे क्या था जी, वन एंड डी एक्स। तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी जनरेट हो गया कि वन की इंटीग्रेशन एक्स होती है, ये एक फॉर्मूला है, इसको याद करना है। वन की इंटीग्रेशन एक्स होती है, ये चूंकि उलट है तो एक्स का डेरिवेटिव चूंकि वन होता था तो वन की इंटीग्रेशन एक्स होती है। एक शायद हमने यहां पे प्रूव कर लिया। तो सारी इंटीग्रेशन को हम लोग टाइप्स के हिसाब से पढ़ते हैं ताकि इंटीग्रेशन आसान हो जाए। तो टाइप वन स्टार्ट करते हैं। टाइप वन में इंटीग्रेशन, यहां पर हमें कोई क्वेश्चन मिलेगा एफ ऑफ एक्स, हम लोग देखेंगे कि अगर इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ये पहली टाइप है, इसे पावर रूल भी कहते हैं। पावर रूल ये है कि जिस शय को इंटीग्रेट करना है आप उसका डेरिवेटिव देखो, अगर उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो सिंपल उस एफ ऑफ एक्स की पावर में, फर्ज करो इसकी पावर एन है तो इसकी पावर में एक ऐड कर दो वही डिवाइड कर दो, प्लस सी इज द आंसर। ये पहली टाइप है, जिस शय को भी हमने इंटीग्रेट करना है उसका डेरिवेटिव चेक कर लो, अगर डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो उसकी पावर में एक ऐड करो वही डिवाइड कर दो, इसको पावर रूल भी कहते हैं। इस पर पावर रूल लगेगा। नोट, एक और बात देख लें कि अगर मैंने इंटीग्रेशन करनी है सपोज वन की डी एक्स, तो वन की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स, हमें याद है। इसमें ये जो साइन है इसे क्या कहते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज कॉल्ड विद रिस्पेक्ट टू, ये जो क्वेश्चन होगा हमारा इसको कहते हैं इंटीग्रैंड। जो क्वेश्चन है उसे कहते हैं इंटीग्रैंड, डीएक्स को कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू, और बाहर जो अलामत सी नजर आ रही है, सिंबल नजर आ रहा है, उस सिंबल को कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। नोट, चले यहीं से शुरू करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स क्या होती है जी। अब चूंकि यहां लिखा गया है कि दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने एक्स के लिहाज से चलना है, तो यहां तो भाई एक्स है ही नहीं तो मैं किसके साथ चलूं फिर। तो मैंने वन को लिख लिया एक्स रेस टू पावर जीरो, क्योंकि हमने तो एक्स के हिसाब से चलना था, एक्स की इंटीग्रेशन, एक्स था ही नहीं।
तो वन लिखा है, तो वन को मैं लिख सकता हूं एक्स रेज टू पावर जीरो। तो अब मुझे पता है कि जिस शेयर की इंटीग्रेशन करनी है अगर उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो x का डेरिवेटिव होता है 1, तो क्या 1 यहां मौजूद है? बिल्कुल है, इनटू 1 तो होता ही है। जिस शेयर की इंटीग्रेशन करनी है अगर उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो उसकी पावर में 1 ऐड कर दो, वही डिवाइड कर दो प्लस सी, तो हमारे पास क्या आ गया x रेज टू पावर 0 प्लस 1 x 1 प्लस सी इज द आंसर। तो पता चल गया कि 1 की इंटीग्रेशन x होती है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला भी जनरेट हो गया जी। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटेग्रल। ये जो हम लोग अभी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ये इनडेफिनेट इंटेग्रल होती है। दो तरह की इंटीग्रेशन होती है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ये जो इनडेफिनेट इंटेग्रल है इसके आंसर में प्लस सी लिखा जाता है। डेफिनेट इंटेग्रल आगे चल के आएगी, वो फिर मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स डीएक्स। इसको हम अलग-अलग इंटीग्रेशन को हम अंदर ले चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर अंडर रूट एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 1 ओवर 2 डीएक्स प्लस, जब ऊपर प्योर कांस्टेंट हो, मैं यहां लिखने लगा हूं प्योर कांस्टेंट। अगर ऊपर प्योर कांस्टेंट हो तो नीचे वाले को हमेशा ऊपर फेंक दिया करना। तो इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा। अब जिसको हमने इंटीग्रेट करना है उसकी कोई ना कोई पावर है, छोड़ दो पावर। इसको देखो, इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, यस। अगर डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो इसकी पावर में 1 ऐड कर दो, तो x की पावर में 1 ऐड करेंगे, यहां देखो प्लस करो, तो दिस इज 3/2, तो 3/2 जो पावर बने वही डिवाइड कर दो प्लस। यही काम यहां करो, माइनस 1/2 में प्लस 1 करो तो 1/2, तो x रेज टू पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस सी। जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी तो प्लस सी लगा देना, इज इक्वल टू ओवर 2 ओवर उल्टा दो 2 ओवर 3 x 3/2 प्लस 2 अंडर रूट x प्लस सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन x अंडर रूट x प्लस 1 dx, इंटीग्रेशन x को अंदर ले लो जी, x 3/2 प्लस x dx। अब इंटीग्रेशन को अंदर ले जाओ, इंटीग्रेशन x 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन x dx। x का डेरिवेटिव 1 होता है आगे मौजूद है तो इसकी पावर में एक ऐड कर दो, 3/2 में जब 1 प्लस करोगे तो x 5/2 ओवर 5/2 प्लस, x की इंटीग्रेशन हमें याद कर जानी चाहिए x स्क्वायर ओवर 2, पावर में क्या ऐड वही डिवाइड प्लस सी, तो 2x 5/2 ओवर 5 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 रेज टू पावर 1/2 dx, इट इज इक्वल टू। अब जिस शेयर को मैंने इंटीग्रेट करना है हम देखेंगे कि उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, क्योंकि इसकी पावर सारे की पावर आ गई, तो अब हम सारे का देखेंगे डेरिवेटिव आगे मौजूद है कि नहीं। तो सारे का डेरिवेटिव जब हमने देखा तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव जब हम देखेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो गया 2, इसका 0, तो टोटल आंसर इज 2। हम देखेंगे क्या यहां 2 मौजूद है, पता चला नहीं है, तो क्या हम बना सकते हैं, यस, 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डेरिवेटिव नहीं था हम ले आए, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अब यहां देखो इस सारे का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो आपको टाइप पढ़ाई गई, अगर डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो उसकी पावर में 1 ऐड कर दो, 1/2 में 1 ऐड करोगे तो दिस इज 3/2 ओवर 3/2,
प्लस सी, ये टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 रेज टू पावर 3 बाय 2 ओवर 3 प्लस सी इज द आंसर। टाइप नंबर टू, टाइप नंबर टू की पहचान देखें क्या है। अगर हमने इंटीग्रेशन करनी है और ऊपर हमारे पास कुछ ज्यादा चीजें हैं प्लस माइनस के साथ, सपोज ए प्लस बी प्लस सी इस तरह का कुछ हमारे पास है और नीचे ए की शय है कोई, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ऊपर ज्यादा चीजें हो नीचे एक हो, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबको अलग अलग कर दो, दिस ओवर दिस प्लस बी ओवर जेड प्लस सी ओवर जेड डी एक्स, कुछ इस तरह का काम करोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। टाइप टू ये है, इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का सेवन पार्ट, इंटीग्रेशन 3x प्लस 2 ओवर अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब यहां पे हमने देखा जो टाइप वन हमने पढ़ी थी अभी तक, कि अगर किसी शय का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो उसकी पावर में एक ऐड करो, तो यहां तो ऐसा लग ही नहीं रहा कुछ भी, किसी शय का पावर का डेरिवेटिव आगे मौजूद नहीं है, तो फिर टाइप टू की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। टाइप टू में सर ने बताया था कि अगर ऊपर ज्यादा चीजें हो नीचे कम हो, तो इससे अगला स्टेप यह होगा कि हर एक को लैदा लैदा कर दो। इससे अगला स्टेप इंटीग्रेशन 3, इस x को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 2, ऊपर प्योर कांस्टेंट है, यह बात पहले हो चुकी, अगर ऊपर प्योर कांस्टेंट हो तो नीचे वाले को हमेशा ऊपर फेंक दिया जाएगा, ये कैंसिल हो गया जी। अब हम इंटीग्रेशन को अंदर ले चलते हैं, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज 3 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस 2 बाहर इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय 2 डी एक्स की, जो कांस्टेंट नंबर है वो इंटीग्रेशन से बाहर ले जाओ, इज इक्वल टू 3 अंडर रूट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी पावर में एक ऐड करो वही डिवाइड कर दो, प्लस 2 इसकी पावर में एक ऐड कर दो वही डिवाइड कर दो प्लस सी। अब जो डिवीजन है वो उलट जाती है, तो हमारे पास आ गया 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x 3 बाय 2 ये 2 उलट के ऊपर जाएगा, तो प्लस 4 अंडर रूट एक्स प्लस सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 10 पार्ट, ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जो आपके सिलेबस का है। 1 माइनस अंडर रूट एक्स रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स डी एक्स, आप लोगों को दुनिया में एक फॉर्मूला किसी टीचर ने याद कराया होगा, मैं अक्सर बच्चों से पूछा करता हूं 2+2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये क्या होता है, तो इट इज 6, पहले मल्टीप्लीकेशन होती है फिर एडिशन होती है, ये एक रूल होता है, उसे कहते हैं बेड मैथ रूल। बेड मैथ होता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर एक्सपोनेंट सॉल्व करो पावर्स, फिर डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दिस इज बेड मैथ रूल। अब इस क्वेश्चन को गौर से अगर देखो तो सबसे पहले तो एक्सपोनेंट्स आ गए ना पावर्स, तो पहले पावर सॉल्व कर लो, इससे अगला सवाल क्या है इसकी पावर सॉल्व करो, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स डी एक्स। टाइप नंबर 2 जेन में लाओ, ऊपर ज्यादा चीजें हैं नीचे एक है, तो टाइप नंबर 2 में हर एक को लदा लदा करो। इंटीग्रेशन ऊपर अगर प्योर कांस्टेंट हो तो ये बात पहले हो चुकी कि नीचे वाले को ऊपर फेंक देना है, प्लस ये हमारे पास आ गया एक्स ओवर अंडर रूट एक्स, इस ऊपर वाले एक्स को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स, तो ये कट के हमारे पास टोटल जवाब आ गया अंडर रूट एक्स
माइनस, ये वैसे कट गया जी, दिस इज 2 dx। अब क्वेश्चन हमारा सीधा हो गया, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन को अंदर ले चलते हैं, इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 2 dx। अब 2 चूंकि कॉन्स्टेंट नंबर है, इसको बाहर फेंक दो, 1 लिखा करो, अब जब आप इंटीग्रेशन लेने जाओगे तो इसकी पावर में एक ऐड कर दो, तो एक्स रेस पर 1/2 over 1/2 प्लस ये अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट की पावर होती है 1/2, तो अंडर रूट एक्स की इंटीग्रेशन क्या बनी, एक्स रेस टू पर 3/2 over 3/2 माइनस 2, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स, प्लस सी लग जाएगा, डिवीजन टू डिवीजन उलट जाएगा, 2 under root x प्लस 2/3 एक्स रेस टू पर 3/2 माइनस 2x प्लस सी, हेयर इज द आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 2 जी, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले एक नोट देखें, हमने सेकंड चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, ये होता था 1/1 plus x square। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, 1/1 plus x square dx बराबर होता है tan इनवर्स x। तो 1/1 plus x square का एक फॉर्मूला हमें पता चल गया। टाइप 3 देख लें पहले, टाइप 3 देखें क्या है कि अगर कभी ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर इनकी पावर्स एक जैसी अगर हो जाएं, चलें सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन हम लिखते हैं 1 minus x square 1 plus x square, ये क्वेश्चन है फर्ज करते हैं, तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर्स एक जैसी हो जाएं, यहां देखो x square है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि ऊपर वाले को नीचे जैसा बना दें, मेक न्यूमरेटर एज डिनोमिनेटर, ये तरीका कार होगा। तो देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 1 minus x square over 1 plus x square dx, अगर पावर देख जैसी हो तो ऊपर वाले को नीचे जैसा बना दो, नीचे क्या है 1 plus x square, इसका मतलब है ऊपर 1 plus x square बनाओ। हमने क्या किया, यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया और ये बन गया x square minus 1 over 1 plus x square dx। यहां चूंकि x पॉजिटिव था तो उसको मेरे पॉजिटिव पहले बनाया, अब अगला काम मुझे क्या करना है कि x square plus 1 खुद लगाओ और माइनस 1 खुद लगाओ, ये माइनस 1 पहले का लगा हुआ था, ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से क्वेश्चन को चलाएंगे, ये है टाइप 3। टाइप 3 में सिर्फ आप ये ध्यान में रखो कि ऊपर वाले को नीचे जैसा बना दो, जब ये करोगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जहां पर ये टाइप इस्तेमाल होनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन 1 minus x square over 1 plus x square dx। अब नीचे हमारे पास 1 plus x square है, पावर सेम हो गई ऊपर नीचे, तो मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो दिस इज माइनस 1 plus x square over 1 plus x square। माइनस पावर्स अगर एक जैसी हो तो ऊपर वाले को नीचे जैसा बना दो, यहां प्लस 1 मैंने खुद लगा दिया प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 भी खुद लगा दिया, ये वाला माइनस 1 पहले का था, ओवर 1 plus x square dx माइनस
वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहां टाइप नंबर थ्री यूज करें, ऊपर ज्यादा चीजें हैं नीचे एक ही चीज है। तो टाइप नंबर थ्री में क्या पढ़ा था, वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस। अब इस इंटीग्रेशन को माइनस समेत अंदर ले जाओ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यहां वन बच गया था और ये माइनस प्लस टू बाहर, इंटीग्रेशन वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वन के इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, पॉजिटिव वैल्यू कोशिश किया करें, पहले लिख लिया करें अच्छा लगता है, माइनस एक्स प्लस सी इज द आंसर। जी क्वेश्चन आ गया वन ओवर अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स, तो ये अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, इसमें रैशनलाइजेशन होगी। सो इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स, इसको हम रैशनलाइज कर देंगे नीचे वाले के उलट साइन से। ऊपर वाले चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं जी, तो दिस इज अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स ओवर, ये दो चीजें देखो दिस इज प्लस और ये माइनस में है, एक चीज प्लस में है एक चीज माइनस में है। तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर ले जी, ये सॉल्व हो गया नीचे, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब एक और कांस्टेंट बच गया जी, उठा के बाहर फेंक दो इंटीग्रेशन, अंदर क्या बचा अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब वन ओवर इंटीग्रेशन को अंदर ले दो, वन ओवर ए इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस वन ओवर ए इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स डी एक्स, वन ओवर ए अंडर रूट एक्स प्लस ए, अंडर रूट के नीचे जो कुछ है उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, यस वन डेरिवेटिव वो आगे मौजूद है, तो इसकी पावर में एक ऐड कर दो वही डिवाइड कर दो, माइनस वन ओवर ए इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स की इंटीग्रेशन हमें याद हो गई थ्री बाई टू ओवर थ्री बाई टू प्लस सी, ओवर टू ओवर उल्टा दो, टू ओवर थ्री ए एक्स प्लस ए थ्री बाई टू माइनस टू ओवर थ्री ए एक्स थ्री बाई टू प्लस सी। यहां से टू बाई थ्री ए कॉमन भी आप लोग ले सकते हो, एक्स प्लस ए थ्री बाई टू माइनस एक्स थ्री बाई टू प्लस सी इज द आंसर जी। चले जी एक नोट देखो, वन माइनस कोस टू एक्स फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर एक्स का, और वन प्लस कोस टू एक्स ये फार्मूला होता है टू कोस स्क्वायर एक्स का, ये दो फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं याद कर लो। यहां से एक और बात भी निकल आएगी कि साइन स्क्वायर एक्स किसका फार्मूला हो गया फिर, वन माइनस कोस टू एक्स ओवर टू, और यहां से कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस कोस टू एक्स ओवर टू, ये फार्मूले हमें पहले पढ़े हुए हैं हमें याद है। नाउ क्वेश्चन नंबर टू का नाइन पार्ट देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। टाइप नंबर वन अगर हम ध्यान में लेके आए जी कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो पावर में एक ऐड कर दो, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर छोड़ दो, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स आगे है नो, तो इसकी पावर में तो हम ऐड नहीं कर सकते, सेकेंड टाइप नहीं लगती, थर्ड टाइप नहीं लगती। तो इंटीग्रेशन में एक और भी है कि पावर सॉल्व नहीं होती, ऐसा नहीं है जैसे डेरिवेटिव में होता था कि पावर को नीचे ले आओ पावर में से कम कर दो, तो इसमें फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे लीस्ट पावर फॉर्मूले। अब साइन स्क्वायर एक्स का हमने एक फॉर्मूला देखा वन माइनस कॉस टू एक्स जिसमें कॉस की पावर वन है, तो अगर वन वाली जो पावर होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसके तो कोई ना कोई फॉर्मूले मौजूद है,
सो दैट यहां पे डायरेक्ट ही साइंस केयर का फॉर्मूला आपको आता था तो आपने गोल गा दिया, यहां से 1/2 कांस्टेंट बाहर ले जाएं, अंदर क्या बचा जी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos 2x dx, इस इंटीग्रेशन को अंदर ले चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx वन ओवर टू तो बाहर ले जाएं, वन की इंटीग्रेशन हमें याद हो गई एक्स। यहां से थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये आगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले हम थोड़ा सा डेरिवेटिव को चेक करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x हुआ करता था, साइन का डेरिवेटिव होता था कोस, एंगल को कुछ नहीं कहते थे, बाद में इन टू द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल हो जाता था, यानी एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया जाता था, डिफरेंशिएशन ये थी। इंटीग्रेशन चूंकि उलट है तो अगर कभी इस तरह की सिचुएशन है जैसे ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो कोस की इंटीग्रेशन हमें याद करनी है, कोस का फॉर्मूला होता है साइन, एंगल को कुछ नहीं कहना, बाद में डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड होता है, बस ये फर्क है, प्लस सी हो गया जी इज द आंसर। को नोट करो, इंटीग्रेशन ई एक्स ही होती है, 7+c लगाया करो, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स की साइन एक्स, टेन एक्स लॉग ऑफ सेकेंट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंट एक्स लॉग ऑफ कॉस सेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, सेकेंट एक्स की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, कॉट की लॉग ऑफ साइन एक्स, ये 7 फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद करने पर। बोलो जी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? टाइप नंबर 5, जब हमने किसी शय की इंटीग्रेशन करनी है, चले टाइप नंबर 4, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है और वो फ्रैक्शन में है, ऊपर नीचे है, अब हम देखेंगे क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन गया तो लॉग ऑफ नीचे वाला आंसर प्लस सी। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन आया 1/x की इंटीग्रेशन करो, अब इवन प्योर कांस्टेंट ऊपर है, लेकिन इससे पहले आप टाइप नंबर 4 जेन में लाओ, क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर तो नहीं है, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो फिर लॉग ऑफ नीचे वाला आंसर,